तो दोस्तों आप लोग को तो पता ही होगा कि फ्री फायर गेम में एक ऐसा मोड आ गया है जिसमें कि आप सोलो और डुओ में रैंक पुश करके एकदम रीजन में जा सकते हैं। तो आप लोग को अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं लॉन वुल्फ रैंक मोड की बात कर रहा हूँ। लेकिन 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 आपको लॉन वुल्फ रैंक से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता नहीं है कि अब तक जो फ्री फायर गेम में जो पैट है, मतलब अभी तक तो लगभग में 20 पैट है, इनमें से ज्यादातर पैट जो है ना लॉन वुल्फ गेम प्ले के लिए एकदम बेकार है। कुछ ही पैट मतलब लॉन वुल्फ रैंक में थोड़ा काम का है और ज्यादातर पैट बेकार है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह। तो आप लोग जानते हैं कि मिस्टर वैगर पैट जो कि आपको ग्लू बॉल दे सकता है वो एकदम ओपी पैट है, फ्री फायर का मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैट है। लेकिन अगर आप मिस्टर वैगर पैट लेके लॉन वुल्फ गेम प्ले में जाइएगा तो आपका पूरा गेम खत्म होने तक एक भी ग्लू बॉल नहीं देगा मिस्टर वैगर पैट। आप करके देख सकते हैं, क्यों तो मैं ज्यादा समझाने नहीं जाता हूं, लेकिन आप मिस्टर वैगर पैट आपको एक भी ग्लू बॉल नहीं देगा। मतलब मिस्टर वैगर पैट लॉन वुल्फ के लिए एकदम बकवास बेकार पैट हो जाता है। इसी तरह से फ्री फायर गेम में अवेलेबल ज्यादातर पैट जो है ना लॉन वुल्फ रैंक मोड के लिए एकदम बेकार है, बकवास है। और एक बात ध्यान दीजिए कि बेकार पैट की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कौन कौन सा पैट यूजलेस है, बेकार पैट है। लेकिन 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 आपको मैं एक चीज जरूर से जरूर बता सकता हूँ कि लॉन वुल्फ रैंक मोड के लिए कौन कौन सा पैट सबसे अच्छा है, एकदम ओपी है, क्योंकि यूजफुल और ओपी पैट की संख्या तो बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ कि लॉन वुल्फ रैंक मोड में कौन कौन सा पैट एकदम ओपी है। आज के इस वीडियो में मैं ये तो आपको बताऊंगा कि लॉन वुल्फ रैंक मोड के लिए टॉप के 5 पेट कौन सा, यानी कि टॉप 5 बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ रैंक मोड कौन सा है। साथ में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 5 पेट जो मैंने बताया आखिर क्यों बेस्ट है, मतलब प्रैक्टिकली आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट। तो 5वें नंबर पे जो बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ रैंक गेम प्ले के लिए है वो है स्पिरिट बॉक्स। तो हम लोग ये तो जानेंगे ही जानेंगे कि आखिर मैंने क्यों इसको 5वें नंबर पे रखा है बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ में। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्पिरिट बॉक्स की एबिलिटी को जान लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहां मेरा 100 एचपी है, ठीक ना। मैं यहां पर एक मेडिकिट मारा, एक मेडिकिट मारने के बाद मेरा एचपी 175 हो गया, मतलब टोटली 75 एचपी इंक्रीज हुआ, ठीक ना। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर मैं स्पिरिट बॉक्स का यूज कर रहा हूं और मेरा एचपी 100 है, और फिर से मैंने एक ही मेडिकिट मारा, लेकिन इस बार जो मेरा एचपी इंक्रीज हुआ 185 एचपी हो गया। पिछले बार 175 हुआ, इस बार 185 एचपी हो गया, मतलब 10 एचपी ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि मैं इस बार स्पिरिट बॉक्स का यूज कर रहा हूं। तो मतलब आपको समझ में आ गया, स्पिरिट बॉक्स 10 एचपी ज्यादा दे सकता है। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, मैं आपको इस गेम प्ले के द्वारा समझाने का कोशिश करता हूं। अब यहां देखिए, मैंने एक मेडिकिट मारा, ठीक, और एनिमी तो बहुत अच्छा रहता है लॉन वुल्फ रैंक जब भी आप खेलिएगा। अब देखिए यहां पर ये हमको कितना ज्यादा डैमेज दे देता है, बहुत 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 ज्यादा डैमेज देता है। देखिए मेरा एचपी कितना बचा है, सिर्फ 9 ही एचपी बचा और मैंने 9 एचपी पे बुइए किया। तो आपको समझ में आ गया, स्पिरिट बॉक्स 10 एचपी ज्यादा दिया तभी मैं यहां पर बचा और 9 एचपी पे यानी कि मैच बुइए करके निकाल दिया। इसलिए मैंने स्पिरिट बॉक्स को बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ के इस काउंटडाउन में 5वें नंबर पे जगह दिया, क्योंकि ये मेडिकिट मारने पे 10 एचपी ज्यादा देगा, जिससे हम लोग का जीतने का थोड़ा सा चांसेस तो बढ़ ही जाएगा ना। तो इसलिए मैंने इसको अपने काउंटडाउन में 5वें नंबर पे जगह दिया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो 4थे नंबर पे बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ रैंक गेम प्ले के लिए है वो है बीस्टन पेट। तो बीस्टन के पेट के लिए भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आखिर क्यों बीस्टन पेट को मैंने 4थे नंबर पे जगह दिया, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग बीस्टन पेट की एबिलिटी शॉर्टकट में जान लेते। तो बीस्टन पेट की एबिलिटी है कि ये कोई सा भी ग्रेनेड हो, कोई सा भी ग्रेनेड, फ्लैश बैंग भी एक ग्रेनेड है, ये भी मतलब बहुत ज्यादा दूर जाता है। बीस्टन पेट का यूज करके आप कोई सा भी ग्रेनेड का यूज कीजिएगा तो वो बहुत ज्यादा दूर जा सकता है, ये तो एक एबिलिटी हुई। साथ में जो ग्रेनेड आप थ्रो कीजिएगा वो बहुत ज्यादा स्पीड में जाता है, मतलब इनमी बच ही नहीं पाता है, इतना ज्यादा स्पीड में ग्रेनेड जाता है। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ इस वीडियो क्लिप से। अब यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर देखिए लॉबी से निकलते ही फ्लैश बैंग थ्रो किया, फ्लैश बैंग बहुत ज्यादा दूर गया, इसलिए इनमी को लग गया, क्योंकि इनमी को अनुमान नहीं था कि मेरे पास फ्लैश बैंग आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्विकली अटैक हो गया, क्योंकि मतलब समझ रहे हैं आप लोग। और उसके बाद देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैं आइस ग्रेनेड मारता हूँ, आइस ग्रेनेड इतना तेज गया ना कि इनिमी को बचने का ही चांस नहीं हुआ। उसके बाद आगे की बात तो पता ही है कि आइस ग्रेनेड लगने के बाद आपका वेस्ट बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिससे कि गन का डैमेज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर मैंने मुको कैरेक्टर का यूज किया, इसलिए जब भी आइस ग्रेनेड मैंने मारा तो अब इसका मतलब लोकेशन हमको पता चल गया है, कहीं भी भाग के जाएगा तो हम इसका पीछा करके आराम से मार सकते हैं, ठीक ना, समझ गए। तो इस तरह से बीस्टन पेट बहुत ज्यादा अच्छा हो
जाता है, क्योंकि आइस ग्रेनेड हो कि फ्लैश बैंग हो, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर थ्रो कर सकते हैं, जो कि लॉन वुल्फ के लिए एकदम ओपी है, मतलब अच्छा चॉइस है। तो इस कारण से मैंने बिस्टन पेट को चौथे नंबर पर रखा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो तीसरे नंबर पर बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ रैंक है वो है येती पेट। तो आइए हम लोग येती पेट की एबिलिटी जानते हैं और जानते हैं कि लॉन वुल्फ रैंक मोड में येती पेट कितना ज्यादा यूजफुल है। तो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर लॉन वुल्फ रैंक मोड में ये आइस ग्रेनेड देखिए हमको कितना डैमेज देता है। आप सिर्फ गौर से देखिए, मैं पूरा फ्लो कर दिया और यहाँ देखिए 81 का डैमेज दिया, मतलब 81 का आइस ग्रेनेड डैमेज दिया, ठीक है ना। यही जब मैं येती पेट का यूज कर रहा हूँ, और ये जो क्लिप है इसमें मैं येती पेट का यूज कर रहा हूँ, ठीक ना। तो अब देखिए येती पेट का यूज करने के बाद देखिए डैमेज क्या हो जाता है। डैमेज देखिए घट करके 56 का हो गया, यानी कि 25 का कम डैमेज पड़ा है। यहाँ पर मैं सेम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा हूँ, लेकिन डिफरेंट पेट का यूज कर रहा हूँ। मतलब कि इस वाले क्लिप में मैंने येती पेट का यूज किया, जिससे कि 56 का सिर्फ डैमेज पड़ा, यानी कि नॉर्मल से 25 कम डैमेज पड़ा। तो आपको पता चल गया येती पेट क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा देता हूँ येती पेट क्या कर सकता है। अब यहाँ देखिए हमको कितना डैमेज पड़ता है और मेरे इनिमी को देखिए कितना डैमेज पड़ता है। आप खुद ब खुद देख सकते हैं, एक ही आइस ग्रेनेड से हमको केवल 58 का डैमेज पड़ा, जबकि मेरे इनिमी को 87 का, यानी कि 29 हमसे ज्यादा डैमेज पड़ा है। ऐसा क्यों हुआ? येती पेट के कारण। तो येती पेट का यही यूजेस है कि अगर इनिमी आपको फ्लैश आइस ग्रेनेड से मारेगा तो आपको कम डैमेज पड़ेगा, जिससे कि आपको लॉन वुल्फ में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस कारण से मैंने येती पेट को तीसरे नंबर पे जगह दिया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ रैंक मैच है वो है ड्रैकी पेट। तो आइए हम लोग ड्रैकी पेट की एबिलिटी जानते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से ड्रैकी पेट लॉन वुल्फ रैंक मैच के लिए एकदम ओपी है। तो देखिए ड्रैकी पेट की एबिलिटी है कि जो भी बंदा ड्रैकी पेट का यूज करता है उसके 30 मीटर के एरिया में अगर 4 इनिमी भी मेडिकिट मार रहा है तो चारों के ऊपर कुछ इस तरह से मार्क दिखाएगा। देखिए यहाँ इनिमी मेडिकिट मार रहा था तो उसके ऊपर एक मार्क दिखाया, ठीक ना। अब ये मार्क 5 सेकंड तक दिखाते रहेगा, ठीक ना। इस दौरान हम लोग आराम से इनिमी को पीछा करके मार सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया ड्रैकी पेट क्या करता है कि 30 मीटर के एरिया में अगर कोई भी इनिमी मेडिकिट मार रहा है तो उसके ऊपर एक मार्क दिखाएगा, जो कि मार्क जो है ना 5 सेकंड तक रहेगा। तो मतलब ड्रैकी पेट सीधा सी बात है कि इनिमी कहीं भी छिपे उसको इजी से खोज के निकाल सकता है। आप यहाँ देखिए ये इनिमी का लोकेशन है, आप देखिए इनिमी को अपने से खोज के निकाल लिया। अब मैं इनिमी पे रश कर दिया और इनिमी को आराम से मार सकता हूँ। तो आप समझ गए ना, ड्रैकी पेट लॉन वुल्फ के लिए एकदम ओपी है, क्योंकि ये जो ना छुपा हुआ इनिमी को खोज के निकाल देता है और हम लोग उस पर रश करके उसको आराम से मार सकते हैं। इसीलिए ड्रैकी पेट को मैंने दूसरे नंबर पर रखा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो नंबर वन या बोल सकते हैं बेस्ट पेट फॉर लॉन वुल्फ रैंक गेम प्ले के लिए है वो है फ्लैश पेट। तो आइए हम लोग फ्लैश पेट की एबिलिटी जानते हैं और जानते हैं आखिरकार क्यों मैंने बेस्ट पेट फ्लैश पेट को बनाया है। तो आप लोग स्क्रीन पे गौर से देखिए, जब मैं सामने से इनिमी को मार रहा हूँ तो देखिए 25-25 का डैमेज दे रहा है, लेकिन जब मैं इनिमी को पीछे से मार रहा हूँ तो 18-18 का डैमेज दे रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनिमी फ्लैश पेट का यूज कर रहा है। तो फ्लैश पेट की एबिलिटी है कि जो भी फ्लैश पेट का यूज करेगा और उसको इनिमी मारेगा पीछे से तो उसको बहुत कम डैमेज पड़ेगा, आगे से नहीं पीछे से। अब यहाँ भी देखिए आगे से दो गोली मारे 25-25 का डैमेज दिया, लेकिन पीछे से मारने पर देखिए 14-14 का डैमेज दिया, 18-18 का डैमेज दे रहा है। मतलब कि डैमेज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है फ्लैश पेट का यूज करने से। तो इस खास एबिलिटी की पीछे से पड़ने वाले डैमेज को बहुत ज्यादा घटा देता है फ्लैश पेट। इस खास एबिलिटी के कारण ही मैंने फ्लैश पेट को अपने इस काउंटडाउन पे नंबर वन का खिताब दिया है। तो अगर आपको ये काउंटडाउन का वीडियो पसंद आया तो आप जरूर से जरूर मेरे वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी 100% कर ले सब्सक्राइब।